हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, पूरब के दार्शनिक उस दूसरे जगत की चर्चा करते हैं, ध्यान की, प्रेम की, आनंद की, जश्न की, महोत्सव की, ताकि आपको याद आ जाए कि जिस जिंदगी को आपने जिंदगी समझा वो काफी नहीं है, अभी और बाकी है और थोड़ा आगे चलो। पूरब का दार्शनिक, पूरब का मनीषी आगे की बात करता है ताकि आप आगे चलें। एक लकड़हारा, एक वुड कटर जिंदगी भर लकड़ी काटता रहा। एक फकीर उसे रोज लकड़ी काटते देखता और जैसा हम पूरब के लोग करते हैं, जब भी वो फकीर के पास से गुजरता तो उनके चरण छूता। फकीर उससे कहता, और आगे, और आगे। लकड़हारा जरा हैरान होता कि ये फकीर कुछ झक्की मालूम होता है। हम उन्हें प्रणाम कहते हैं और फकीर कहते हैं, और आगे। ये कोई जवाब हुआ? हमने सिर्फ प्रणाम किया, झुककर नमस्कार किया था। और आगे का मतलब क्या है? ये आदमी पागल है। मगर लकड़हारे की उत्सुकता बढ़ती गई कि कहीं इस बात में कोई मतलब न हो। एक दिन लकड़हारे ने फकीर के पैर पकड़ लिए और उनसे कहा, महाराज, और आगे का क्या मतलब है, कृपया मुझे समझा दें, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक लकड़हारा जिंदगी भर लकड़ी काटता रहा। एक फकीर उसे रोज लकड़ी काटते देखता और वो हर रोज जब भी फकीर को देखता तो उन्हें प्रणाम करता और फकीर कहते, और आगे, और आगे। और लकड़हारा दी वुड कटर हैरान हो जाता कि मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं और उनका जवाब हमेशा यही होता है, और आगे। इसका मतलब क्या है? एक दिन लकड़हारे ने फकीर के पैर पकड़ लिए और उनसे कहा, महाराज, और आगे का मतलब क्या है, कृपया मुझे समझा दीजिए। फकीर ने कहा, लकड़ी ही काटता रहेगा तू जिंदगी भर, और आगे, जरा आगे जा, तू यहीं से लकड़ी काट कर ले जाता है, जरा आगे जा और देख। वो लकड़हारा आगे गया और जैसे आगे गया वो चकित हो गया। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, लकड़हारे के पूछने पर फकीर ने उसे और आगे का मतलब बताया। फकीर ने कहा, लकड़ी ही काटता रहेगा तू जिंदगी भर, और आगे, जरा आगे जा, जरा आगे जा और देख। वो आदमी, वो लकड़हारा आगे गया और चकित हो गया। वहां उसे एक तांबे की खदान मिल गई। अब तो वो तांबा लेकर बाजार में बेचता और फिर महीने भर के लिए निश्चिंत हो जाता। उस पे फकीर की कृपा थी। लकड़हारा रोज आता नमस्कार करने, लेकिन फकीर था कि वही कहे चला जाता, और आगे, और आगे। एक दिन लकड़हारे ने कहा कि अब और क्या आगे? फकीर ने कहा, वहीं मत रुक जाना पागल, और भी आगे अभी जंगल है, तू आगे जा, वहां पे देख। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, फकीर ने लकड़हारे से दोबारा कहा कि और आगे जा, और आगे।
और लकड़हारा आगे गया और उसे चांदी की खदान मिल गई। और दोस्तों, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। फकीर कहता रहा और आगे, और एक दिन लकड़हारे को सोने की खदान मिल गई। अब तो बात ही कुछ और थी। सोना मतलब आखिरी चीज मिल गई लकड़हारे को। लेकिन फकीर भी अपने आप में एक ही था। जिस दिन लकड़हारे ने आना बंद कर दिया, वो उसके दरवाजे पे जाकर दस्तक देने लगा और कहने लगा, और आगे और आगे। लकड़हारे ने कहा, महाराज मुझे माफ करो, अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब बहुत मिल गया। अपने लिए नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बहुत कुछ मिल गया है मुझे, यह आपकी कृपा है। लेकिन फकीर था कि आता ही रहा और कहता ही रहा कि आगे और आगे। आखिर लकड़हारे की उत्सुकता जागी और उसने सोचा, अगर फकीर कह रहे हैं और आगे, तो उसमें जरूर कोई राज होगा। और फिर वो फैसला करता है आगे बढ़ने का। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, फकीर लकड़हारे के घर पे आता रहा, दस्तक देता रहा और उससे कहता रहा, और आगे और आगे। और फिर लकड़हारे की उत्सुकता जागी। उसने सोचा कि जरूर कोई राज होगा, अगर फकीर कह रहे हैं और आगे, तो इसमें जरूर कोई बात होगी, एक बार कोशिश करके देखी जाए। अब तक तो फकीर बिल्कुल सही साबित हुए हैं। और फिर लकड़हारे को हीरों की खदान मिल जाती है। तब बड़ा दुखी हुआ कि मैंने फकीर की बात पहले क्यों नहीं सुनी। लेकिन वो फकीर तो एक ही था, वो तो कहता ही रहा और आगे और आगे। अब तो लकड़हारे ने बहुत आलीशान महल बनवा लिया था। अब तो वो लकड़हारा सम्राटों की तरह रहने लगा था। लेकिन वो फकीर था कि आता चला जाए और कहता जाए, और आगे और आगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से, तहे दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक दिन उस लकड़हारे ने कहा कि अब और आगे क्या हो सकता है महाराज। बात खत्म हो गई। उस फकीर ने कहा, और आगे मैं हूं, और आगे मैं हूं। हीरे पे बात खत्म नहीं होती, बात तो परमात्मा पे खत्म होगी। और जब तक तू परमात्मा को नहीं खोज लेता, तब तक मैं कहे चला जाऊंगा, और आगे और आगे। दोस्तों, फकीर के कहने पे लकड़हारा और आगे बढ़ता रहा। उसे तांबे की खदान मिली, चांदी की खदान, सोने की और हीरों की खदानें मिली। उसने आलीशान महल बनवा लिया और सम्राटों की तरह रहने लगा। लेकिन फकीर चाहता था कि लकड़हारा और आगे बढ़े और आगे। फकीर ने लकड़हारे से कहा, बात हीरे पे खत्म नहीं होती, बात तो परमात्मा पे खत्म होगी। और जब तक तू परमात्मा को खोज नहीं लेता, तब तक मैं कहता जाऊंगा, और आगे और आगे। दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, साइंटिस्ट कहते हैं, अब हमारे पास इतनी क्षमता है कि इस पृथ्वी को हम 8 बार नष्ट कर सकते हैं, मगर फिर भी आयोजन चलते जा रहे हैं, अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ढेर लगते जा रहे हैं। एक एक आदमी को 8 बार मारा जा सकता है।
कहां तक बचेगा आदमी, पहली बार में ही मर जाता है। कोई आदमी इतना ताकतवर तो है नहीं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब से बच सके। 8 बार मार सकते हैं हम एक एक आदमी को। हम भूत प्रेतों को भी बचने नहीं देंगे, अब किस लिए आयोजन? ये जो साइंटिस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब्स और बढ़ाते जा रहे हैं, राशियां बनाते जा रहे हैं, लेकिन आयोजन चलता ही जा रहा है। विस्फोट किसी भी दिन हो सकता है। ऐसा लगता है पूरी पृथ्वी किसी अचेतन आत्महत्या की आकांक्षा से भरी हुई है, और उसके पीछे इसी तरह के विचारों का हाथ है जो कहते हैं कुछ भी सार नहीं, जब सार ही नहीं तो ठीक है, मरने में फिर क्या बुराई है, जीने में कोई मतलब नहीं फिर मरने में क्या बुराई है। और साइंटिस्ट और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते जा रहे हैं, कौन रोकेगा इन्हें? हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, पूरब ने कहा कि जिंदगी में सार नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कहा है, एक और जिंदगी है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है जीवन दुख है। अब यह बड़ी दिलचस्प बात है कि गौतम बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, और गौतम बुद्ध से ज्यादा सार्थक जीवन आपने कभी देखा है? गौतम बुद्ध कहते हैं यहां कुछ भी नहीं है, और बुद्ध से ज्यादा समृद्धि आपने कभी देखी है? पूरब का दार्शनिक जब कहता है जीवन असार है, बेमतलब है, तो इसलिए कहता है ताकि आप भीतर मुड़ सकें, अपने अंदर देख सकें। पश्चिम का विचारक जीवन असार है ये कहकर रुक जाता है, और आधे सत्य असत्यों से भी खतरनाक हो जाते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, पूरब में कहते हैं कि अपने अंदर झांक कर देखिए, अपने अंदर आत्मा में झांक कर देखिए। पश्चिम के दार्शनिक कहते हैं कि जीवन असार है, बेकार है, और ये कहकर वो रुक जाते हैं, और आधे सत्य असत्यों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ये जीवन बेकार क्यों है? फिर इतने लोग क्यों जी रहे हैं? उन्हें इसमें भी कहीं कुछ मतलब, कुछ सार दिखाई पड़ रहा होगा। जैसे चांद झलका हो झील में, झील में जो चांद झलक रहा है वो असली चांद की छाया भर है। असली चांद न हो तो झील में झूठा चांद भी नहीं झलक सकता। माना कि जब आप आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो आईने में आपकी छवि नजर आती है, आपकी तस्वीर नजर आती है, वो झूठी होती है, उसका कोई वजूद नहीं होता, लेकिन आपके बिना ये तस्वीर, ये छाया, ये छवि नहीं हो सकती। आप हैं, वो तस्वीर आपकी खबर दे रही है। दिल की धड़कन तेरी पलकों की चमक में उमड़ी, देर तक राज रहे राज तो खुल जाता है अपनी किरणों को समेटे हुए हंगामे सफर। चांद शबनम में उतरता है तो ढल जाता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, घास की एक पत्ती पे ओस की बूंद जमी, पूरा चांद आकाश में दौड़ रहा है, अपनी यात्रा पे निकला है, ओस की छोटी सी बूंद में चांद झलक रहा है। चांद असली है, ओस की बूंद पल भर की, लेकिन ओस की बूंद में चांद झलक रहा है, झलक रहा है, बड़ा प्यारा चांद। अपनी किरणों को समेटे हुए हंगामे सफर, चांद शबनम में उतरता है तो ढल जाता है, लेकिन ये एक बूंद सर की, हवा का ये झोंका आया, सर की गई, मिट्टी में गिरी, खो गई। इस बूंद में जो झलकता था चांद वो भी ढल गया,
मगर असली चांद नहीं ढला। असली चांद अब भी आकाश में है। दर्पण को तोड़ दीजिए, आप नहीं टूट जाएंगे, दर्पण टूटेगा। अपनी किरणों को समेटे हुए, अपनी किरणों को समेटे हुए हंगामे सफर, चांद शबनम में उतरता है तो ढल जाता है। कई दार्शनिक कहते हैं संसार दर्पण है, इसलिए हम दर्पण की बात करते हैं, उसके दुख की भी बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम उस परमात्मा की बात करते हैं जिसकी छाया इस दर्पण में पड़ रही है। आपको छाया से मुक्त करना है, उस छाया का नाम ही माया है, और आपको छाया के मालिक की तरफ ले चलना है। एक बार शाश्वत से संबंध जुड़ जाए तो फिर सब चीजें निखर जाती हैं, फिर कांटे भी फूल हो जाते हैं, फिर रातें भी दिन हो जाती हैं, और फिर अमृत के दर्शन हो जाते हैं। जिंदगी खूबसूरत बन जाती है, क्योंकि लाइफ इज ब्यूटीफुल। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हमारी ये पृथ्वी बहुत खूबसूरत है, अर्थ इज ब्यूटीफुल। हजारों लाखों पंछी हर साल यात्रा करते हैं हजारों लाखों मीलों की। सर्दियां आने वाली हैं, बर्फ पड़ेगी तो बर्फ के इलाके से पंछी उड़ना शुरू हो जाएंगे। हजारों मील दूर किसी दूसरी जगह पे वो पड़ाव डालेंगे। वहां तक पहुंचने में अभी उन्हें महीना दो महीने लगेंगे। अभी बर्फ गिरनी शुरू नहीं हुई, महीने भर बाद गिरेगी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ये पंछी कैसे हिसाब लगाते हैं कि अब महीने भर बाद बर्फ गिरेगी? क्योंकि अभी हमारी मौसम को बताने वाली वेधशालाएं भी पक्की खबर नहीं दे पाती। दोस्तों, जरा सोचिए इस बात पे कि पंछियों को कैसे पता चल जाता है कि एक महीने बाद या दो महीने बाद बर्फ गिरेगी या ठंडी बढ़ेगी या बारिश होगी, और फिर वो अपनी जगह से माइग्रेट करते हैं कहीं और। ये पृथ्वी, हमारे ये पंछी बहुत खूबसूरत है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, पंछी एक दो महीने पहले पता करते हैं कि अब बर्फ कब गिरेगी, और हजारों एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिया गया है कि हर पंछी की जाति का निश्चित दिन है। हर वर्ष बदल जाता है वो निश्चित दिन, क्योंकि बर्फ का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन हर पंछी का तय है कि वो बर्फ गिरने के एक महीने पहले उड़ेगा, तो हर वर्ष वो एक महीने पहले ही उड़ता है। बर्फ 10 दिन बाद गिरे तो वो 10 दिन बाद उड़ता है, बर्फ 10 दिन पहले गिरे तो वो 10 दिन पहले उड़ता है। बर्फ के गिरने का कुछ निश्चित नहीं होता। पंछियों को कैसे पता चलता है एक या दो महीने पहले कि बर्फ गिरेगी? हेलो एंड वेलकम अगेन, मैं हूं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील, और हम बातें कर रहे हैं दिल से आपके दिल की गहराइयों से। दोस्तों, जापान में एक चिड़िया होती है जो भूकंप आने से 24 घंटे पहले गांव खाली कर देती है। एक साधारण सी गांव की चिड़िया है, हर गांव में ऐसी चिड़ियां बहुत होती हैं। भूकंप आने के 24 घंटे पहले चिड़िया गांव खाली कर देती है। अभी भी साइंटिस्ट 2 घंटे के पहले भूकंप का पता नहीं लगा पाते, और 2 घंटे पहले भी अनिश्चित होता है, अनसर्टिनिटी होती है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है कि भूकंप हो सकता है। जापान में तो भूकंप का फौरन पता चल जाता है। जिस गांव में चिड़िया उड़ जाती है उस गांव के लोग समझ जाते हैं कि समय आ गया कि हम यहां से निकल जाएं। 24 घंटे का वक्त है, वो चिड़िया हट गई है,
चली गई है, गांव में दिखाई नहीं पड़ती। दोस्तों, इस चिड़िया को कैसे पता चलता होगा कि भूकंप आने वाला है? हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, साइंटिस्ट अभी कुछ सालों से एक बात कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी के पास कोई ऐसी अंतर इंद्रिय है जो ग्लोबल इंपैक्ट को अनुभव करती है। शायद मनुष्य के पास भी है, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धिमानी में इसे खो दिया है। मनुष्य अकेला प्राणी है जगत में जिसके पास बहुत सी चीजें हैं जो उसने बुद्धिमानी में खो दी हैं, और बहुत सी चीजें जो उसके पास नहीं थी उसने बुद्धिमानी में उनको पैदा करके खतरा मोल ले लिया है। मनुष्य ने जो है उसे खो दिया है, जो नहीं है उसे बना लिया है। लेकिन छोटे से छोटे प्राणी के पास भी कुछ संवेदना के अंतर स्रोत हैं, और अब इसके लिए साइंटिफिक आधार मिलने शुरू हो गए हैं कि अंतर स्रोत हैं। ये अंतर स्रोत इस बात की खबर लाते हैं कि इस धरती पे जो जीवन है वो आइसोलेटेड नहीं है, वो सारे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन सारे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये पृथ्वी खूबसूरत है, अर्थ इज ब्यूटिफुल, और क्योंकि पृथ्वी खूबसूरत है इसलिए हमारी जिंदगी भी खूबसूरत है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति को बेकार घूमते फिरते देख एक धनी व्यक्ति ने उसे अपने बाग की रखवाली करने का काम सौंप दिया तो वो राजी हो गया। वो व्यक्ति कई वर्षों तक मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। एक बार धनी व्यक्ति के घर कुछ मेहमान आए। धनी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को कुछ मीठे आम लाने के लिए कहा। वो व्यक्ति आम उन्हें दे आया। जब मेहमानों ने आम खाए तो सारे खट्टे निकले। धनी व्यक्ति बहुत नाराज हुआ, बोला, क्या तुम्हें खट्टे और मीठे आमों की पहचान नहीं है? बाग के रखवाले ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। धनी व्यक्ति ने जब कारण जानना चाहा तो उसने कहा, मैंने आज तक एक भी आम नहीं चखा है। फिर जब धनी व्यक्ति ने कारण पूछा तो रखवाले ने कहा, हुजूर, आपने मुझे आज तक आम खाने के लिए नहीं कहा। इस पर धनी व्यक्ति ने कहा, तुम सारा दिन बगीचे में रहते हो, तुम जब चाहते आम खा सकते थे, इसके लिए मेरे कहने न कहने की क्या बात थी? रखवाले ने कहा, आपने मुझे रखवाली के लिए रखा है, मैं दूसरों को चोरी करने नहीं देता तो खुद कैसे करता? बिना आपकी आज्ञा के ये चोरी ही कहलाती। वो व्यक्ति जो उस धनी व्यक्ति के बाग की रखवाली कर रहा था वो आगे चलकर महात्मा इब्राहिम के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जो है अनहोनी उसे होनी बना के देखें, दुश्मनी छोड़ दें और हाथ मिला के देखें, दूर हो जाए इस तरह से शायद अंधकार, अपनी पलकों पे सितारों को सजा के देखें, सिलसिला जंग का अब तक न हुआ खत्म, फूल हथियारों के बदले में देकर तो देखें, रास्ते में नजरें बिछी पाएंगे अपनी खातिर, आप मेरे यहां एक बार तो आकर देखें। ये सही है कि हवाएं अनुकूल हैं, मगर रास्ते में कोई दीपक तो जला के देखें। दोस्तों, मैं एक तूफान लाना चाहता हूं, मैं एक बवंडर लाना चाहता हूं, मुझे विश्वास है अपनी भुजाओं पे, मुझे विश्वास है अपने बलबूते पे, एक नया हंगामा मचाना चाहता हूं, मैं पल पल छन छन शक्ति से भरपूर होना चाहता हूं, करबद्ध विराट से यही मांगता हूं, मैं वायु बनकर जग के कण कण में झूमना चाहता हूं, मैं जल बनकर प्रत्येक पुष्प को
चूमना चाहता हूँ, विश्व के कोने कोने में एक परिवर्तन लाना चाहता हूँ। मैं पृथ्वी के अंतरतम में गूंजना चाहता हूँ, सागर की हिलोरों में जो क्रंदन है, वायु के झकोरों में जो कंपन है, उन सब की इतिश्री करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।